फिर गूगल में जॉब, 2 करोड़ का पैकेज सेट कर लिया। तो इस बच्चे ने अपनी नियति सेट कर लिया, नाम सेट करके। भाई साहब तुम्हें ना सुप्रीम कोर्ट दंड देगा इस बात पर, तुमने ऐसा बोल दिया है। कह रहा नीचे का बेस थर्माकोल का बना होता है। इसने ना पक्का ना किसी ऐसे बंदे से पूछा होगा जिसको शायद इसके बारे में नहीं पता है, और उसने भी कोशिश नहीं करी आज के युग में कि गूगल खोल ले। ठीक है, सच बता रहा हूं तुम्हें, उन्होंने भी शायद कोशिश नहीं करी होगी। जब इसे बच्चे ने पूछा कि यार ये शिप तैरता कैसे है, उन्होंने भी कहा होगा भाई इसकी शक्ल देख के इसको वैसे भी कुछ डेप्थ में बताएंगे तो वैसे भी समझ तो आना नहीं है। बेटा नीचे ना थर्माकोल लगाते हैं, ज्यादा थर्माकोल लगाते हैं तो ज्यादा बड़ी शिप बनाई जा सकती है। थर्माकोल से शिप चलती है? हाँ बेटा। उन्होंने भी कहा कि यार क्या गूगल पे ढूंढे, क्या बताएं इसको आर्किमिडीज के बारे में, समझ तो आएगा नहीं, बोल देगा डिलीटेड था सिलेबस में, पढ़ाया ही नहीं गया है ना। थर्माकोल से INS विक्रांत चलाएगा ये। और अभी इससे पूछ लो ना, इसका नाम देख लेते अगर, हाँ तो ये झाड़ फूक वाला वो लगाया होता, IIT बॉम्बे CS, सारी डिग्री पहले ले चुका है। अगर इस बच्चे का नाम देख लोगे ना तो IIT बॉम्बे CS, MIT में कुछ और करके PhD करके इसकी जॉब भी लग चुकी है इसके सपनों में। बस अब ये क्या कह रहा है कि वो चीज हकीकत होने वाली है, बस उसको पूरा करना है। लिख चुका है अपनी जिंदगी पूरी। ठीक है, आ जाओ। नियति कहते हैं ना, जैसे सबकी नियति में लिखा होता है नियति होना है, तो इस बच्चे ने अपनी नियति सेट कर लिया नाम सेट करके। बस अब उसको पूर्ण रूप से खत्म करना है। भगवान ने कहा है कि जाओ तुम अपने हिसाब से सेट कर लियो। तो 11वीं में आती सबसे पहले IIT बॉम्बे CS, MIT में PhD, फिर गूगल में जॉब, 2 करोड़ का पैकेज सेट कर लिया। बस अब हमने सेट कर लिया, बस हमें समय काटना, अपने आप जाएंगे वहां पर। पागल इंसान।